तो दोस्तों आप सभी का सवाल था कि मेथी में हम पहला खाद कौन सा लगाए और सबसे जल्दी हमारा मेथी तैयार हो और मंडी में सबसे पहले मेथी लेके जाए और हमारा मंडी का रेट काफी अच्छा मिले। तो यहाँ पे हमारे रामगढ़ झारखंड में तो 40 से 45 50 इस तरह हमारा रेट है अभी मेथी का, और ये हमारा थोक का रेट है। और यहाँ पे देखिएगा हमारा ये मेथी कुछ दिन पहले बुआई हुआ था, 6 दिन पहले लमसम हमारा बुआई होने के बाद यहाँ पे जनरेशन काफी बेहतर है। और आज हम लोग यहाँ पे पहला खाद लगाने वाले हैं, आप नीचे से एक बार दिखाते हैं तो यहाँ पे आप सभी को दिखता है तो कितना अच्छा जनरेशन दिया है, सभी तरफ मेथी मेथी पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे आज हम लोग पहला खाद लगाने वाले, पहला खाद में क्या लगाने वाले तो यहाँ पे आज हम लोग यूरिया का मात्रा लेने वाले, यानी कि ये हमारा यहाँ पे यूरिया है, ठीक है, इसको आज हम लोग यहाँ पे आज डालेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंचाई करेंगे और सिंचाई भी मात्रा से करना, खाद भी मात्रा से लेना, यानी कि कितना खाद डालना है इतने बड़ा छोटे सा एक एरिया में, ठीक है, ज्यादा नहीं है, दो पारी हमारा मेथी का बुआई हुआ। तभी हम लोग फटाफट डालते हैं, आप सभी को बताते हैं कि कितना आज हम लोग यूरिया इस्तेमाल करने वाले इस मेथी का फसल में। एरिया होगा आप सभी का भी, यानी कि मेथी का जितना एरिया हम बुआई किए हैं दो पारी, तो आप सभी का भी अगर दो पारी होगा तो आप मेथी का खेत में आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलो तक सल्फेट आप डाल सकते हैं, ठीक है, यूरिया का इस्तेमाल करना है, 1.5 किलो से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1.5 किलो से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे दो पारी में। और हमारा थोड़ा सा पालक भी है तो हम उसमें भी मिलाकर मार देंगे, यानी कि थोड़ा सा अधिक लेके हम मात्रा को तीन पारी में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस तरह करके हम धीरे धीरे हल्के हल्के मात्रा से यूरिया का इस्तेमाल करना है, ये हमारा है कि साग को थोड़ा जल्दी से ग्रोथ में लाएगा और लाने का काम करेगा, फिर उसके बाद हम लोग इसमें और तरह का किसी तरह का खाद वगैरह नहीं डालेंगे, बस समय समय से सिंचाई होगा। तो यहाँ पे आज हम लोग पहला काम हमारा यही है कि यूरिया हम अपने खेत में फेंक रहे हैं और यहाँ पे हमारा जो है साग है मेथी, ठीक है, तो दोस्तों मेरे जैसा आप सभी को भी मिलाकर अच्छे से डालना है और टाइमिंग से ही डालना है, जो कि ना आगे ना ज्यादा पीछे, उस तरह करके खाद आप जैसे लगाते हो तो वो खाद आपका 100% आपको खाद का रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो आप इस तरह छोटे अवस्था में आप डालते हो तो उस समय आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा और काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आप सभी को आपकी फसल में। उधर गलियत ने बंद कर ले है अभी बोरवे ने, वही ले जो जहां पनिया गिरो वहां पे, तो यहाँ कहा कर भी बोरो टैंक के रख दिए, तो दोस्तों अभी पापा है मोटर चालू करने के लिए जा रहे हैं वापस। इधर हमारा ये सल्फेट हमारा डला चुका है इस खेत में यूरिया, तो अभी हम पालक में डाल रहे हैं, मेथी से हट चुके हैं, मेथी में हम लगा दिए पूरा सल्फेट जितना लगाना था, और यहाँ पे अभी हम पालक में भी हल्का हल्का लगा दे रहे। पालक और मेथी दोनों एक ही दिन बुआई हुआ था, एक दिन का फल था, यानी कि जो हमारा शाम हो गया था और सुबह हम लोग फिर पालक का बुआई किए थे, शाम को मेथी बुआई किए थे और सुबह हम लोग पालक की बुआई किए थे, और उसके बाद सिंचाई एक टाइम पे ही लिए थे साथ में ही। तो यहाँ पे पालक थोड़ा कम जनरेशन दिया, जो बीज हम लोग बुआई किए थे वो बीज अभी पहले के वो बीज सही आता था, पर ये कुछ टाइम से यानी कि जो अब की बार जो पैकेजिंग हुआ है, यानी कि पैकेट जो बन के आया है वो पैकेट का मतलब जनरेशन है मिलना चाहिए 80-85 मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा, यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा 25% आप सभी का जनरेशन, मतलब हम सभी का जनरेशन मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी सामने से हम दिखाएंगे कि कितना कम जनरेशन दिया है, जो कि एक कंपनी बहुत पुराना कंपनी बीज है, और काफी कम जनरेशन देने के साथ साथ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कि है कि नहीं है कुछ, तो आप सभी को हम अभी सामने से दिखाते हैं कि कितना जनरेशन है हमारा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पालक की बुआई हुई थी, ठीक है, इसमें आप सभी देखिए कहीं कहीं पे पालक के बीज दिख रहे होंगे, तो इतना ही जनरेशन हुआ है, और जो कि पहले होता था कि ये बीज काफी अच्छा जनरेशन देता था, काफी अच्छा पालक किसका जनरेशन रहता था, पर इस बार का जो पैकेट आया वो काफी कम जनरेशन दे रहा है और काफी खराब है। यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा नुकसान ये सब में हो रहा है, पिछले बार भी पैकेट के इस्तेमाल किए थे तो उस समय एक भी जनरेशन नहीं दिया, और इस बार थोड़ा बहुत तो दिया पर उतना कुछ खास नहीं है जिससे हम प्रॉफिट ले सके, इसमें काफी नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये खाने वाला मेथी है, कुछ इस तरह करके पालक जनरेशन होता था और
इसके जगह भी हम लोग खाने वाला मेथी का इस्तेमाल करके यहाँ बुआई की है, तो यहाँ पे ये मेथी कितना बेहतर जन्मा और ये हमारा जर्मिनेट नहीं हुआ। तो ये बीज को भी हम लोग कंप्लेन करेंगे और दुकान में, तो वो कंप्लेन फिर कंपनी पास जाएगा कि बीज आपका जर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह की कंप्लेन आप सभी को, जैसे कि आपके बीज कभी लाते हो, कोई भी तरह का बीज लाते हो और लगाते हो तो जर्मेशन नहीं देने के बाद, तो दुकानदार के साथ जाइए और वहाँ पे कंप्लेन डालिए, वो कंप्लेन फिर कंपनी के पास जाएगा और वो कंपनी फिर बीज को सुधार करेगा, तब जाकर आपको फिर नुकसान नहीं होगा, नहीं तो आने वाला बीज भी उसी तरह आते रहेगा और आप सभी को नुकसान होते रहेगा और आप सोचोगे कि हमारा ये जर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप सभी कंप्लेन जरूर डालिएगा दुकान में। तो ये वीडियो में इतना ही जानकारी, क्योंकि अभी तो हम लोग सिंचाई करेंगे और आज हम लोग पहला सल्फेट यानी कि यहाँ पे यूरिया इस्तेमाल किया हमारा मेथी और प्लस पालक में दोनों में। तो यहाँ पे आज वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो भी तुरंत बनेगा और दूसरे वाले खेत में दूसरा काम के साथ में। तब तक ले जय जवान जय किसान।